हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। भैया हमारे लिए गाड़ी लेके आए थे, तो हम लोग आगे सीट पे बैठे हैं, भैया पीछे ये बैठे हुए हैं। और अगेन हम यहाँ भी घूंघट में हैं, बिकॉज जो हमारे ड्राइवर थे वो भी हमारे गाँव के थे, तो उनसे भी घूंघट करना था, भैया से तो घूंघट करना ही था। सो हम लोग यहाँ पर घूंघट में हैं, और हमारा सिवान से हमारा जो गाँव है ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 घंटा लगता है मैक्सिमम, मिनिमम इतना ही टाइम लगता है। सो इन्जॉय कर रहे थे हम लोग, ये वाला फेज बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी आई होप इंजॉय कर रहे होंगे। एंड अगर आपको ये ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, एंड अपना खूब सारा प्यार दे, ताकि मैं इतने एक्साइटमेंट के साथ इतने अच्छे से ब्लॉगिंग कर पाऊँ आप सभी के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर भी सभी को, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे वीडियो से, को सब लोग बहुत खुशी खुशी वीडियो में आ रहे हैं। और अभी हम गाँव जाएंगे तो आप मम्मी का एक रूप देखोगे कि मम्मी किस तरीके से रहती हैं। सो जब मैं पहली बार आई थी ना, तब मैंने मम्मी को देखा था कि मम्मी इस तरीके से रहती हैं, तो तब से मेरे को था कि नहीं यार, मम्मी ऐसे रहती हैं तो मुझे भी गांव में इस तरीके से रहना चाहिए। जो मम्मी ने इतना कुछ अपने लिए बनाया है, इतना कमाया है, तो हमें जो मम्मी ने ये चीज़ हमें मम्मी का और आगे लेके जाना चाहिए, तो हमें भी फुल अच्छे से रहना चाहिए। कितने दिन की बात होती है, 2 से 4 दिन की बात होती है, इससे ज़्यादा तो नहीं रहना होता है। सो क्यों ना अच्छे से रहा जाए। मतलब वैसे भी हम अच्छे से रहते हैं वहाँ पर, बट यहाँ पर जिस तरीके से बाकी सब भाभियाँ बाकी सभी लोग रहते हैं, उस तरीके से रहने की कोशिश करते हैं हम लोग। और सभी को अच्छा लगता है, हमारे फैमिली स्पेशली हमारे पापा जी इन सब चीज़ों से बहुत खुश होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है ये सब यहाँ पे देख के। और आगे आप देखना पापा जी कितना खुश भी होंगे, मैं पापा जी कैसे दिखाऊंगी, तो वो सारी चीज़ें आपको आगे अच्छे से देखने को नज़र आएंगी। गए हैं बाहर, थोड़ा सांस ले लें हम लोग। मम्मी फ़ोन करके कह रही है कि तो हम लोग सिवान से उतर के और अपने गांव तरफ नाम बताना, अपने गांव जाने के लिए जो हमारे जेठ हैं वो आए थे, अभी हम लोग उनके साथ जा रहे हैं। वो बैठे हुए हैं गांव के भी कोई, इसलिए इतना घूंघट करके कैसा लग रहा है आप लोगों को? आपको कहाँ जाना है? मैं आपको कहाँ जाना है? सुनिए, आपकी नई नवेली दुल्हन कैसी लग रही है? इसमें गांव आए हैं, हमने पहले ही कहा जैसा देश वैसा देश, तब गांव में ऐसा ही देश बना के आया है। एंड बहुत अच्छा देश है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ना, ऐसे शर्माना घूंघट करना आ रहे हैं भैया, तो घूंघट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आ गए भैया, पसीने से पूरा लदर पदर हो गई ये लड़की। मैं बच्चा धनवी Thank you.
big and electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you're in my mind. I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know is this feels like the sweetest breath of air. Oh yeah, it's amazing. At the same time, how you take my breath away. Oh फाइनली हम लोग पहुंच गए और ये ग्रीन साड़ी में है हमारी सासू माँ। देख सकते हो आप मम्मी किस तरीके से रहती है, तो बताओ हम कैसे चले जाएं बिना घूंघट के, बिना उससे। तो इस तरीके से जब मम्मी ही रहती है तो इसलिए हम लोग पूरा घूंघट वगैरह के साथ गए हैं। और स्पेशल थैंक्स टू परी कि उन्होंने मेरा ये सब ब्लॉगिंग का रिकॉर्ड कर दिया, वरना तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता रिकॉर्ड कराना ये सारी चीज़ों का। सो बाकी आगे आप लोग एक एक करके मेरे फैमिली मेम्बर से मिलते जाओगे, देखते जाओगे। बाकी डिटेल में अच्छे से मैं सभी को एक साथ मिलवा दूंगी। पीछे जो है वो बड़ी माँ है, आगे आप ब्लॉग में देखोगे। मेरे पापा जी की भाभी और उसके बाद दो भाभियाँ हैं, इनकी बहू। मेरे बड़े पापा जी नहीं हैं इस दुनिया में, बाकी बहुत बड़ी फैमिली और भी बहुत लोग आएंगे। तो सब लोग को आप इसी ब्लॉग में देखोगे, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको ब्लॉग। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ना भूलें। आप क्यों मुँह छुपा लिए हो? देखो परी दीदी, क्यों मुँह छुपाए? मेरा बच्चा, मेरा छोना मोना। जय करो, जय जय करो। बोले दादी एक बार ऐसे दिखाओ तो फिर से। जहाँ जहाँ खेलो, कैसे खेल रहे थे गाड़ी में मम्मा? मेरा सबसे कम असली ससुराल तई है मम्मा। देखो मम्मी का चेहरा ग्लो मारता हुआ एकदम खुश खुश। ये हमारा सुंदर सर, ये हमारी सुंदर सी भाभी। और खरीद के आप रखे हुए थे परी का गुड्डा, भूल गए। हाँ चलो कोई Oh, my God.
गए हैं एंड आपने हमारा एक नया रूप देखा, कैसा लगा आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल अभी जा रही हूँ थोड़ा सा चेंज वेंज करके, नहा हुआ के फ्रेश हो जाती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अभी तक ब्लॉग इंजॉय कर रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। पानी पी लिया है, अब जा रहे हैं, थोड़ा सबके साथ टाइम स्पेंड करें, कुछ सारी बातें किया जाए, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ये मेरी बड़ी माँ है। अब जब कहें छोट बाबू ऐसा नहीं क्या छोड़ के कही जा कर बाबू छोट के नहीं क्या यही सब भाई दी हो शरीर हमरो देखे के पातर बा उठा के इंकर के फट पातर हां नहीं पर बाटा ना देखे दिन ना लेकिन ऐसे नौबत ना आई आओ तो सही, आप भी तो बोलते हो कि चाची कब आएगी, चाची बाबू वीडियो में आएगा, चाची कभी नहीं आती है, चाची अच्छी नहीं है, चाची यहाँ कभी नहीं आती है, ऐसे बोलते थे ना आप। अब आ गई चाची, ऊपर पंपोली ऊपर मुंह कर लो। अच्छा एक किसी दे दो चाची को, दे दो। ओरे मेरो बच्चा रे। ये हमारे जो बड़ी भाभी है उनके बेटे हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एक ही बार मिले हैं, दो बार मिले हैं ना, एक बार शादी के बाद आई थी तब, एक बार ही आई। मेरी जेठानी जी। दिखाओ भाई, परी भाभी को दिखाओ। कूल जेठानी जी। भाभी सब लोग गांव में रहते हैं इसलिए आप लोग को वहाँ पे हमें हमारे साथ नहीं देखते हैं। पता भाभी आपने जो फोटो डाला था ना मेरे साथ इंतजार है आओली की, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस लगाया था, तो सब कह रहे ये तो हरिद्वार में रहती हैं तो ये गांव में कैसे, तो लोग गांव में रहती थी हरिद्वार उनके मायके था तो गई थी। बहुत साड़ी खुल जाएगा। बहुत मुश्किल से होती है। अब बताओ चाची आपको अच्छी लगती है, पहले बताओ चाची। नहीं पहले बताओ चाची आपको अच्छी लगती है। हाँ? मैं तो कल चली जाऊंगी। नहीं मैं कल चली जाऊंगी, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, आप मुझसे बात ही नहीं कर रही। नहीं नहीं मैं कल चली जाऊंगी। नहला दी इसको, हम ठंडा ठंडा सब कुछ।